नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे ही क्लासेस पर। आज का जो लर्निंग लेक्चर प्यारे बच्चों वो केमिस्ट्री प्लस वन। अभी तक केमिस्ट्री प्लस वन के प्यारे बच्चों आपके पास एक ही वीडियो आई है हमारे चैनल से, जिसमें हमने बात की व्हाट इज केमिस्ट्री, अबाउट मैटर एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आज प्यारे बच्चों हम डिटेल में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई करने में जो दो बेस पे किया जा सकता है, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पर बात कर रहे थे और हमने बात की थी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन की बेस पे प्यारे बच्चों जो मैटर है या तो वो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर प्यारे बच्चों गैस होता है। व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस, मैंने इनको भी आपके सामने समहाउ डिस्क्राइब किया था कि सॉलिड लिक्विड और गैस में मैटर को डिवाइड करते वक्त दो कुछ मेन प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट इज वॉल्यूम एंड सेकेंड इज स्पेस। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट स्पेस। सॉलिड के अंदर ये दोनों ही चीज डेफिनेट होती थी प्यारे बच्चों, लिक्विड के अंदर पहली डेफिनेट होती थी प्यारे बच्चों पर दूसरी डेफिनेट नहीं होती थी। गैस के अंदर प्यारे बच्चों दोनों ही डेफिनेट नहीं होती थी। इट मीन्स प्यारे बच्चों सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनेट शेप, लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट शेप, गैस हैज द डेफिनेट वॉल्यूम नाइदर द डेफिनेट वॉल्यूम नॉर द डेफिनेट शेप। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा डिटेल में हम सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों सॉलिड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट स्पेस तो होता है, लिक्विड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है डेफिनेट स्पेस नहीं होता, गैस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट स्पेस होता है। प्यारे बच्चों सॉलिड के अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में मिलते हैं, एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में मिलते हैं। प्यारे बच्चों लिक्विड के अंदर पार्टिकल एक डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते और पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, और गैस के केस में प्यारे बच्चों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और अरेंजमेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस प्यारे बच्चों सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, गैसेस के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस लार्जेस्ट होता है। सेकंड, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, यानी क्या है बच्चों सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, और गैसेस के अंदर तो ये समझिए
कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं। सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है और गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। प्यारे बच्चों, सॉलिड की जो डेंसिटी है प्यारे बच्चों वो मैक्सिमम होती है, लिक्विड की इससे कम होती है और गैस की डेंसिटी करीब करीब प्यारे बच्चों जीरो जैसी होती है, यानी कि मिनिमम आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी करीब करीब जीरो होती है। प्यारे बच्चों, मैं इसको नहीं दबा सकता। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा होती है और गैस की कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। गैस के पार्टिकल प्यारे बच्चों सबसे तेज स्पीड से भागते हैं, लिक्विड के पार्टिकल की स्पीड गैस के पार्टिकल से कम होती है और सॉलिड के पार्टिकल की स्पीड सबसे कम होती है, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स की स्पीड प्यारे बच्चों होती ही नहीं। सॉलिड का पार्टिकल केवल ऑक्सीलेट कर सकता है, या तो यहां या फिर यहां, बस दिस इज द रेंज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। इट कैन ऑक्सीलेट बिटवीन टू नाइट्रिक पार्टिकल ओनली। ये बेटा चल सकते हैं और ये तो बहुत चल सकते हैं। ये थे बेटा सॉलिड लिक्विड और गैस का कुछ डिफरेंस। सॉलिड क्या है बच्चों, रिजिड होता है, सॉलिड कठोर होता है, सॉलिड स्थिर होता है, बट गैस एंड लिक्विड फ्लूइड होते हैं, उनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, वो बह सकते हैं, उनके अंदर बहाव की प्रॉपर्टी मिलती है। और सॉलिड के अंदर प्यारे बच्चों रिजिडिटी होती है, यानी कि जो सॉलिड है प्यारे बच्चों वो रिजिड होता है, लिक्विड और गैस प्यारे बच्चों फ्लूइड्स होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों आपके सामने जो मैंने रखी, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए रखना चाहूंगा, उसके बाद आई विल होप दैट यू नेवर बी फॉरगेट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप कभी नहीं भूलेंगे सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस हो। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, आप एक स्कूल में चलते हैं और स्कूल की तीन कंडीशन के बारे में बात करते हैं। एक तो सुबह स्कूल की प्रेयर, जहां सभी बच्चे एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में होते हैं, सब वन हैंड डिस्टेंस के साथ खड़े होते हैं, पूरे स्कूल के बच्चे एक छोटे से ग्राउंड में आ जाते हैं, बच्चों की भीड़ मैक्सिमम नजर आती है, उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, एक बच्चा या तो यहां या फिर यहां चल सकता है, बाहर नहीं आ सकता, इज द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ प्रेयर। ये मॉर्निंग असेंबली थी प्यारे बच्चों स्कूल में। उस स्कूल में प्यारे बच्चों रिसेस में चलते हैं, जहां पे कुछ बच्चे एक जगह गैदर्ड होते हैं, हमें लगता है कि थोड़ी अरेंजमेंट है, फिर अरेंजमेंट खत्म हो जाती है प्यारे बच्चों, फिर कभी लगता है कि अरेंजमेंट है, फिर कभी खत्म हो जाती है। एक बच्चा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्री टू मूव है, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए फ्री टू मूव है, दिस मे एक्सप्रेस लिक्विड। यहां डेफिनेट वॉल्यूम भी था, डेफिनेट शेप भी थी, बच्चे सब लाइन में खड़े हुए हैं, या तो रेक्टेंगुलर बनाएंगे या फिर स्पीयर बनाएंगे, स्पीयर भी बना सकते हैं, अरेंजमेंट अलग हो सकती है, पर प्यारे बच्चों जब भी कोई एक डेफिनेट पैटर्न में होगा तो वो एक निश्चित शेप जरूर बनाएगा। यानी प्यारे बच्चों जब भी आप सॉलिड को इमेजिन करें तो आप अपने स्कूल की सुबह की प्रेयर को अपने दिमाग में रख सकते हो, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल आर नॉट फ्री टू मूव, इट इज नॉट फर्दर कंप्रेसिबल, इसको आप नहीं दबा सकते हो, डेंसिटी इज मैक्सिमम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। आप बहुत आराम से भी बोलोगे तो भी बच्चे को सुनाई दे जाएगा
कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो यानी सुबह स्कूल की परेड सोलिड का एक बेहतरीन एग्जांपल है। जब आप बेटा रिसर्च में आए तो कुछ जगह बच्चों की गैदरिंग हुई, किसी और जगह जाके बच्चों की गैदरिंग हुई, एक बच्चा एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम है, यानी कि यहाँ पार्टिकल मूव कर सकते हैं। एक अच्छी बात, स्कूल के सभी बच्चे स्कूल कैंपस के अंदर ही है, मीन्स वॉल्यूम आप भी डेफिनेट है पर उनकी शेप अब डेफिनेट नहीं है, वो किसी रेगुलर पैटर्न में अटैच नहीं है, उनको कंप्रेस किया जा सकता है। जब बेल लगेगी रिसेस बंद होने की तो सभी बच्चे कंप्रेस होंगे, वो सभी अपनी क्लास की तरफ मूव करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी भी है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं है, पार्टिकल फ्री टू मूव है, डेंसिटी कम है। कहां तो वो स्कूल के सभी 600 या 700 बच्चे छोटे से प्रेयर ग्राउंड में इकट्ठे थे, कहां वो पूरे स्कूल में फैले हुए हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी भी है और डेंसिटी कम भी है। पर प्यारे बच्चों, यदि हम स्कूल को छुट्टी कर दे स्कूल की, यानी कि आपकी छुट्टी हो जाए, तब देखिएगा क्या होगा। कोई बच्चा किसी दूसरी कॉलोनी में होगा, कोई बच्चा किसी दूसरे विलेज में होगा, कोई बच्चा कहीं होगा, कोई कहीं होगा, यानी कि ना तो उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम ही है, ना उनका कोई डेफिनेट शेप ही है, और ना ही उनकी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट है। और यहाँ कॉम्प्रेसिबिलिटी कितनी ज्यादा है कि कल जब स्कूल लगेगा तो बच्चे इतनी दूर से दोबारा स्कूल में गैदर होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, कि आप आवाज दे के एक फ्रेंड को बुला भी नहीं सकते। उनकी डेंसिटी प्यारे बच्चों मिनिमम कहां तो 600 बच्चे छोटे से प्ले ग्राउंड में, और कहां वही 600 स्टूडेंट पूरे इलाके में फैले हुए हैं। यानी कि स्कूल की जो छुट्टी है प्यारे बच्चों, वो गैसेस स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस को अपने स्कूल की तीन कंडीशन से बड़े प्यार से समझा होगा। सुबह प्रे लाइक सॉलिड, रिसेस लाइक लिक्विड, और पूरी छुट्टी लाइक गैस। ये बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन था आपके सामने मैटर। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो मैटर है वो केमिकली कैसे क्लासिफाई किया जाता है। द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकली प्यारे बच्चों, मैटर दो ही तरीके का हो सकता है, या तो वो प्योर या फिर वो मिक्सचर, या तो वो शुद्ध होगा या फिर वो मिश्रण होगा। केमिकली कोई भी मैटर दो ही तरीके का होता है प्यारे बच्चों, आइदर प्योर सब्सटेंस आइदर मिक्सर। या तो प्योर सब्सटेंस होगा प्यारे बच्चों या फिर मिक्सर होगा। प्योर सब्सटेंस के अंदर प्यारे बच्चों वो आइदर एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा, या तो प्यारे बच्चों वो तत्व होगा या फिर वो यौगिक होगा। ये दोनों ही आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे तरह पढ़े थे। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, 118 एलिमेंट हमारे पास होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो सब यही। याद करो बेटा वो प्यार, वो सभी एलिमेंट या तो मेटल होते थे या नॉन मेटल होते थे या मेटलोइड होते थे, या तो उनमें से कुछ धातु होती थी या कुछ उपधातु होती थी या कुछ अधातु होती थी। यानी जितने भी एलिमेंट है प्यारे बच्चों वो सब प्योर सब्सटेंस माने जाते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों जो कंपाउंड है लाइक SO4, लाइक HCl, लाइक KMnO4, लाइक NaCl, जो आपने दूसरे चैप्टर में पढ़े थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके अंदर जितने भी सॉल्ट थे प्यारे बच्चों वो सब कंपाउंड ही थे, और कंपाउंड भी प्यारे बच्चों प्योर स्टेट में ही आता है। यानी कि मैटर की जो प्योर स्टेट है आइदर एलिमेंट या फिर प्यारे बच्चों कंपाउंड होगी। एलिमेंट प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया, या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा या प्यारे बच्चों मेटलॉइड होगा। इसी तरह कंपाउंड प्यारे बच्चों
या तो ऑर्गेनिक होता है या फिर इनऑर्गेनिक होता है। कुछ कंपाउंड जैविक होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आपको फॉर्मूला याद होगा ग्लूकोज C6H12O6, ये बेटा कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और वो ग्लूकोज जो है प्यारे बच्चों जैविक यानी कि लिविंग थिंग्स से आता है, इसलिए उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। NaCl, H2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सबके सब प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो यानी कि कंपाउंड्स या तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, आपका एलिमेंट या तो मेटल या फिर नॉन मेटल या प्यारे बच्चों मेटलॉइड होता है। प्यारे बच्चों यही बात मिक्सचर की, तो मिक्सचर दो या दो प्योर सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जब प्यारे बच्चों हम मिलाते हैं तो एक मिक्सचर तैयार होता है। आज की इस वीडियो को प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिए, नहीं बात डेफिनेशन की मैं अगली वीडियो में लिख सकता हूँ, यदि आज आप उनको नहीं समझोगे तो फिर वो चाहे मैं लिख भी दूं वो आपके समझ से बाहर जाएगा, तो आज समझने पे फोकस कीजिए, राइटिंग करो। प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया कि जो मैटर को क्लासिफाई करते हैं या तो प्योर सब्सटेंस के अंदर या फिर मिक्सचर के अंदर। प्योर सब्सटेंस प्यारे बच्चों या तो एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। मिक्सचर प्यारे बच्चों इम्प्योर है, यानी कि वो प्योर नहीं है, मैटर की दूसरी क्लासिफिकेशन है। मिक्सचर के अंदर प्यारे बच्चों दो या दो से ज्यादा प्योर एलिमेंट को मिलाया जाता है तब एक मिक्सचर बनता है। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि सर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट तो कंपाउंड में भी मिलाए जाते हैं, पर हम मिक्सचर को कंपाउंड से अलग क्यों रखते हैं? हम कंपाउंड को तो प्योर कहते हैं पर मिक्सचर को एक अलग जगह रखते हैं, कॉम्बिनेशन तो ये भी है। तो प्यारे बच्चों मैं बोर्ड पे आपके सामने इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से आज समझाऊंगा, डेफिनेशन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बहुत डिटेल में देखेंगे व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड और व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, जबकि कॉम्बिनेशन दोनों में है। तो प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज मिक्सचर। एलिमेंट एंड सब्सटेंसेस, एलिमेंट एंड कंपाउंड, व्हाट इज एलिमेंट बाय द डेफिनेशन। एलिमेंट प्यारे बच्चों वो स्टेट है प्योर सब्सटेंस की जिसके अंदर केवल एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस which are elements, these elements are those substances which has only one type of particles. वे pure substances के अलावा जो केवल एक ही तरीके के elements से मिलकर बनते हैं, एक ही तरह के particles से मिलकर बनते हैं, element कहलाते हैं। जैसे iron, जैसे aluminium, जैसे O2, जैसे Cl2, जैसे S8, जैसे P4। आप प्यारे बच्चों ये एटम भी हो सकता है, एटम समझते हो ना प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट थिंग्स जो केवल एक हो, एटम सबसे छोटी चीज होती है किसी भी सब्सटेंस की, जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं प्यारे बच्चों उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों एलिमेंट शब्द सिर्फ इतनी सी है कि वो केवल एक ही तरह की चीजों से मिलकर बनता है, वो एक तरह की चीज एटम भी हो सकती है और वो एक तरह की चीज मॉलिक्यूल भी हो सकती है। जैसे O2, इसमें दो एटम है ऑक्सीजन के, एक या एक से ज्यादा एटम मिलकर प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु कहते हैं और एटम को परमाणु कहते हैं,
यानी कि जब दो परमाणु जुड़ते हैं तब अणु बनता है और अणु से पार्टिकल होता है। तो प्यारे बच्चों एलिमेंट जो है आइदर एटम और मे बी मॉलिक्यूल, और सत्य यह है प्यारे बच्चों कि जब दो या दो से ज्यादा एटम जुड़े एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का केवल तभी होगा जब उसके अंदर केवल एक ही तरीके के एटम होंगे। एस एट ऑल द एट एलिमेंट्स सॉरी ऑल द एट एटम्स सल्फर के ही हैं प्यारे बच्चों, इसमें चार के चार एटम प्यारे बच्चों फॉस्फोरस के ही हैं, यानी कि एलिमेंट आइदर एटम हो सकता है आइदर मॉलिक्यूल हो सकता है। पर यदि वो मॉलिक्यूल भी होगा प्यारे बच्चों उसमें एक से ज्यादा एटम भी होंगे तो वो सभी एटम एक ही जैसे होंगे। प्यारे बच्चों आप सोचिए डायमंड आपके हिसाब से क्या है, डायमंड प्योर एलिमेंट है क्योंकि उसके अंदर जितने भी एटम होते हैं प्यारे बच्चों वो कार्बन के ही होते हैं, यानी कि अब मुझे लगता है कि एलिमेंट को आप सभी समझ सके होंगे। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की वो स्टेट है जो केवल एक ही जैसे पार्टिकल से मिलकर बनती है, आइदर दीज आर एटम आइदर दीज आर मॉलिक्यूल। पर यदि वो मॉलिक्यूल भी होंगे प्यारे बच्चों तो उनके अंदर के एटम एक जैसे होंगे। मैंने पहले बोला कि आज की वीडियो में हम केवल समझेंगे, लिखने पर ध्यान नहीं देंगे, कल मैं इन सबके डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा, आप दोनों चीज आज करोगे तो शायद पजल। तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की वो स्टेट जिसके अंदर केवल एक ही जैसे पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल मे बी एटम दीज पार्टिकल मे बी मॉलिक्यूल। पर यदि प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल भी होगा तो एक ही जैसे एटम से मिलकर बना होगा। नेक्स्ट इज कंपाउंड। प्यारे बच्चों कंपाउंड एटम नहीं हो सकते, जिसका नाम ही प्यारे बच्चों यौगिक है तो उसके अंदर एक एटम का होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, मींस कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होते हैं। कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होंगे, लाइक एस्प्रेसोफोर लाइक HCl, लाइक NaCl, लाइक KCl, लाइक HNO3, लाइक कॉपर सल्फेट। प्यारे बच्चों ये सब मॉलिक्यूल हैं, सबके अंदर एक से ज्यादा एटम हैं और ये सभी मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों कंपाउंड के ही हैं। कुछ अच्छे बच्चे बोर्ड पे एग्जाम्पल से समझ पाए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट के मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों एक ही जैसे एटम से मिलके बने थे, पर एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल प्यारे बच्चों अलग अलग तरीके के एटम से मिलके बने हुए हैं, मीन्स प्यारे बच्चों कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल जो होता है वो हेट्रो एटम होता है, यानी कि उसके अंदर अलग अलग एटम होते हैं। यदि कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही जैसे एटम होंगे वो कभी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा। और जब एटम डिफरेंट डिफरेंट होंगे प्यारे बच्चों तो वही मॉलिक्यूल कंपाउंड का होगा। प्यारे बच्चों जब कंपाउंड में हमने एक से अलग तरीके के प्योर सब्सटेंसेस मिलाए तो फिर मैंने इसको प्योर सब्सटेंस क्यों कहा, ये मिक्सचर में क्यों नहीं आता, ध्यान सुनना प्यारे बच्चों। मैंने बोर्ड पे एक कंपाउंड लिखा H2O। प्यारे बच्चों जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस होती है। कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन विच द रेशियो ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इज फिक्स्ड, यानी कि कंपाउंड बनाते वक्त प्यारे बच्चों जो रेशियो है दो या दो से ज्यादा एटम जो आपने मिलाए उनकी जो बेटा मास की रेशियो है वो फिक्स होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन का मास प्यारे बच्चों 16 होता है, एक हाइड्रोजन का मास 1, टू हाइड्रोजन का मास 2। मैं इनकी रेशियो कैलकुलेट करता हूं प्यारे बच्चों तो रेशियो निकल के आती है 1:8, यानी प्यारे बच्चों
यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को 1:8 में मिक्स किया जाएगा तो ऑलवेज वाटर ही फॉर्म करेगा। यदि ये रेशियो प्यारे बच्चों बदल जाएगी तो वो वाटर नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसे H2O2 कर देता हूं प्यारे बच्चों और रेशियो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाती है तो प्यारे बच्चों ये गैसियस स्टेट है, ये लिक्विड है। मींस प्यारे बच्चों स्टेट ही चेंज हो गई, कितना फर्क आया रेशियो बदल के। ये एक नया कंपाउंड तैयार हो गया और ये क्या नया कंपाउंड, ये पहला कंपाउंड था, रेशियो मैंने बदली तो कंपाउंड ही बदल गया। अब सोचिए मैंने पानी में चीनी मिलाई प्यारे बच्चों, मिलाया तो वहां पे भी है पर यदि मैं पानी में 1 चम्मच चीनी के बजाय 3 चम्मच चीनी मिलाऊंगा तो वो जो पानी और चीनी का घोल है वो मिठाई रहेगा, वो उसकी मिठास तो नहीं बदलने वाली, मतलब उसको वो ऐसा तो नहीं कि मीठे से कहीं जाके खट्टा हो जाए या कुछ और तैयार हो जाए, वो लिक्विड से सॉलिड बन जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। मींस क्या है, वहां शायद जिन चीज को आप मिलाते हो उनकी रेशियो इतना मायने नहीं रखती, वहां उनके मासेस की रेशियो फिक्स नहीं होती, उनको सिंपली मिलाया जाता है। बट कंपाउंड में जब आप दो चीज मिलाते हो तो उनकी रेशियो फिक्स होना जरूरी है, वरना तो प्यारे बच्चों कंपाउंड ही कुछ और बन जाता है। कंपाउंड को इतना इजीली तैयार नहीं किया जा सकता, लैबोरेटरी के अंदर चीजों को मिलाने के लिए टेम्परेचर की पर्टिकुलर रेंज, प्रेशर की पर्टिकुलर रेंज होना बहुत जरूरी है, पर मिक्सचर आप इजीली तैयार कर सकते हैं, किन्हीं भी दो चीज को उठाइए और सिंपली मिला दीजिए। इसका मतलब प्यारे बच्चों कंपाउंड को बनाने में, कंपाउंड के अंदर एटम को मिलाने में उनकी रेशियो का भी ख्याल रखना पड़ता है और उनको मिलाने के लिए केमिकल तरीका भी अपनाना पड़ता है। तीसरी बड़ी बात प्यारे बच्चों जो इसको प्योर कंपाउंड के तरीके में रखती है, ध्यान से समझिएगा, मैंने बेटा H2 मिलाया, O2 मिलाया और मैंने वाटर बनाया। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी आग जलाने में सहायक है, फायर में हेल्प करती है, ऑक्सीजन तो है ही एक्सीडेबल गैस यानी उसको जलाया जा सकता है, पर जब इन दोनों ने बेटा वाटर बनाया वो आग बुझाता है। ये गैस है बट वो लिक्विड है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर बट वो पोलर है। मीन्स प्यारे बच्चों जो वाटर मैंने दो चीज से मिलकर बनाया उस वाटर की खुद की एक अलग आइडेंटिटी है, खुद का अलग एक पहचान है, उसकी प्रॉपर्टी H2 और O2 पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, उसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है किससे, जिनसे मिलके उसको बनाया गया है। इसका मतलब प्यारे बच्चों जब मैं किन्हीं दो चीज को एक फिक्स रेशियो में मिला के कंपाउंड बनाता हूं तो कंपाउंड बनने के बाद वो इन दोनों को जानता ही नहीं, मीन्स इट इज अ स्पेशल 3 थिंग्स विच इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, और शायद इसीलिए प्यारे बच्चों कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस में रखा गया क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस की तरह ही बिहेव करता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों व्हाट इज कंपाउंड, व्हेनेवर टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन टूगेदर केमिकली एंड देयर रेशियो ऑफ मासेस आर फिक्स्ड देन दिस इज कंपाउंड। नाउ व्हाट इज मिक्सचर जो कि केमिकली मैटर का दूसरा रूप था, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स इन विच रेशियो इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज फिजिकली प्रिपेयर्ड, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा प्योर चीजों को बेटा फिजिकली मिलाया जाता है उनकी रेशियो भी फिक्स नहीं होती तब जो चीज बनती है वो मिक्सचर होती है। फॉर एग्जाम्पल वॉटर में शुगर, फॉर एग्जाम्पल वॉटर में नमक, फॉर एग्जाम्पल लस्सी में पानी, फॉर एग्जाम्पल मिल्क के अंदर वॉटर, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल के अंदर वॉटर, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मेटलोइड और अलोइड जिसमें आप दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में मिलाते थे वो भी एक क्या बेटा मिक्सचर है। मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस, कंपाउंड केमिकली तैयार होता है और मिक्सचर सिंपली फिजिकली तैयार होता है।
मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है। आप पानी में चीनी है उसको आप फायर यानी कि आग पर रखिए तो पानी तो वेपरेट होकर चला जाएगा, पर चीनी की थोड़ी ना वेपर बनेगी, क्योंकि सॉलिड की तो वेपर बनती ही नहीं। इसका मतलब वो पानी की जो वेपर बनी बेटा उसको आप अलग कर सकते हो और चीनी को अलग कर सकते हो, सेपरेट हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों? मिक्सचर के कंपोनेंट को फिजिकली मिलाया जाता है और फिजिकली ही उन्हें अलग किया जा सकता है। सिक्स क्लास में प्यारे बच्चों आप पढ़ते हो केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होते हैं प्यारे बच्चों जिसमें दो चीज मिलकर कोई तीसरी चीज बनाए, इसलिए वो तीसरी चीज कंपाउंड होती है। पर जो फिजिकल चेंज होते हैं उसमें आप जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हो तो तीसरी चीज अलग नहीं बनती, वो जो चेंज हुआ है वो वापस हो सकता है, वो कन्वर्टेबल हो सकता है। मैंने पानी से बर्फ बनाया फिर बर्फ से पानी बना दिया, यानी कि इट्स अ फिजिकल चेंज। तो इसमें प्यारे बच्चों जब मिक्सचर तैयार करते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज है, हमने फिजिकली दो चीज को मिलाया है और उनकी रेशियो भी फिक्स नहीं है, तीन की बजाय चार, समझ ही नहीं चल जाएगी क्या बात होगी। तो प्यारे बच्चों इसीलिए मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं इन नोट ए फिक्स रेशियो एंड फिजिकली मिलाए जाते हैं, केमिकली नहीं मिलाए जाते। प्यारे बच्चों आपके जो मिक्सचर होते हैं प्यारे बच्चों वो दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, यानी कि दादा टू टाइप ऑफ मिश्रण, हिंदी में संगामी और विसंगामी मिश्रण बोलते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि मिक्सचर ऑफ टू टाइप होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल के साथ आपको छोड़े जाएंगे आवाज और कल हम बहुत डिटेल में सभी डेफिनेशंस करेंगे। मुझे आशा होगी कल आप ये पूरा लेक्चर अच्छी तरह सुन के आएंगे और जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आप मेरे साथ तेजी से लिखेंगे। प्यारे बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट या ज्यादा कंपोनेंट जो आपने मिलाए हैं वो प्रॉपरली मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दूध में पानी मिलाया प्यारे बच्चों, मिलाने के बाद उसको रख दिया, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि मैंने पानी में दूध मिलाया है या नहीं मिलाया, वो कंप्लीटली मिल जाता है प्यारे बच्चों। मैंने पानी में चीनी गुड़ी प्यारे बच्चों उसको घुमाता गया कंप्लीट मिल गया, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। उस पानी में चीनी के घोल को यदि आप ऊपर से नीचे तरफ देखोगे तो वहां पे केवल एक ही चीज एक ही तरीका आपको दिखाई देगा। आप लस्सी में पानी मिलाइए प्यारे बच्चों और उसको साइड में रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद पानी की एक अलग फेज यानी कि पानी की एक अलग परत तैयार होगी प्यारे बच्चों और लस्सी की एक अलग परत तैयार हो जाएगी। मीन्स इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा फेजेस हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी में प्यारे बच्चों तेल मिलाया तो तेल की जो परत है प्यारे बच्चों पानी के ऊपर जम जाएगी। आप इजीली पहचान सकते हो कि इस मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक वाटर एंड एक ऑयल। प्यारे बच्चों मैंने पानी में रेत मिलाया तो रेत नीचे बैठ जाएगा और आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि इसके अंदर दो चीजें हैं, एक वाटर और एक सैंड यानी कि रेत। यदि मैं पानी में नमक मिलाया प्यारे बच्चों तो वो कंप्लीटली मिल जाएगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें नमक बिना टेस्ट के आपको पता ही चलेगा और फेज ऊपर से लेकर नीचे तक तारे बच्चों एक ही जैसा होगा। इट मींस द मिक्सचर विच हैज ओनली वन फेज इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। इफ अ मिक्सचर हैज टू और मोर फेजेस दैट इज हेट्रोजेनियस। जब किसी मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज्यादा फेज बन जाए, जितने आप कंपोनेंट मिला वो सारे कंपोनेंट अलग अलग नजर आए, तो आप कहेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और जब प्यारे बच्चों एक ही तरीके का फेज होगा तब उसे बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये था प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकली भी और फिजिकली भी। फिजिकली इजी सॉलिड लिक्विड गैस हम कर चुके हैं, केमिकली प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस प्यारे बच्चों या तो एलिमेंट या फिर कंपाउंड, और मिक्सचर तो है ही मिक्सचर। मिक्सचर प्यारे बच्चों होमोजेनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। प्योर सब्सटेंस प्यारे बच्चों जब एलिमेंट पे गया तो एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटलॉइड भी हो सकता है। कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूलर होगा प्यारे बच्चों, एलिमेंट एटॉमिक भी हो सकता है मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि एलिमेंट के मॉलिक्यूल में एक ही जैसे एटम होंगे और कंपाउंड के मॉलिक्यूल में डिफरेंट तरीके के एटम होंगे। कंपाउंड के एटम फिक्स्ड रेशियो में मिले होते हैं प्यारे बच्चों, मिक्सचर के अंदर के कंपोनेंट फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्रिप्शन कीजिए, शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम इन सब की डेफिनेशंस और केमिस्ट्री में थोड़ा आगे चलेंगे। धन्यवाद।